द्वादशांग दिनवाणी माता की परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य सराखोद धारक राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की ये माजन कार्यंतस की दिले संगीत देती है, सही मार्ग पे चलने की ये मुझको रीत देती है। छुड़ाया घर पिता माता बहन भाई सभी बंधु, छुड़ाया घर पिता माता बहन भाई सभी बंधु, मगर उन सब से बढ़कर के ये मुझको प्रीत देती है, मगर उन सब से बढ़कर के ये मुझको प्रीत देती है। जब बोले परम पूजनीय जिनधर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारक समता शिरोमणि मेरे जीवन की आधार सृष्टि भूषण माता जी की, पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा 51 श्लोक प्रमाण इष्टोपदेश ग्रंथ को आप और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा के हित का उपदेश देने वाला ये ग्रंथ हमें बता रहा है कि ये जीव अनादिकाल से किन किन कारणों से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, संसार के परिभ्रमण के कारण और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए दृष्टांतों के माध्यम से उन्हें और अच्छी तरह समझाने का प्रयास आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। कल 11 नंबर का श्लोक हमने किया था, आज 12वां निकाल लेंगे। विपत भव पदावर्ते पदी के वाति वायते, विपत भव पदावर्ते पदी के वाति वायते, यावत् तावत् भवन्तन्यः यावत् तावत् भवन्तन्यः प्रचुरा विपदः पुरः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद् भव पदावर्ते पदी केवाति वायते, मुँह से आवाज तो निकालो, विपद भव पदावर्ते पदी के वाति वायते, यावतावत भवन्तन्यः प्रचुरा विपदः पुरः, यावतावत भवन्तन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। चलेंगे और कल 11 नंबर के कारिका में 11 नंबर के छंद में क्या बता रहे थे आचार्य भगवान कि राग द्वेष दई दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा, राग द्वेष रूपी दो लंबी डोरियों से, दो लंबी डोरी नहीं है, अलग अलग डोरी नहीं है, एक ही डोरी के दो छोर हैं। और कभी यह जीव राग करने लगता है, कभी यह जीव द्वेष करने लगता है, और इस राग द्वेष के चक्कर में मथानी की तरह क्या कर रहा है, अपने आप को इस संसार रूपी समुद्र में घुमा रहा है। और किसके कारण? अज्ञान के कारण, अज्ञान में। और बार बार कह रहे हैं वो अज्ञान भी कैसा है, अज्ञान किस कारण से, मोहेन संप्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। वो अज्ञान क्यों पड़ा है?
अज्ञान नहीं है। हमने कल आपको क्या एक बात बताई थी कि इतना उपदेश सुनते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, इतना शास्त्र पढ़ते हो, इतने प्रवचन सुनते हो, उसके बाद भी अज्ञान शेष है क्या? अज्ञानी हो, क्यों हो? क्योंकि मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह के कारण अज्ञानी बने हुए हो। मोह का पर्दा ऐसा पड़ा है कि समझना तो चाहते हो, समझते भी हो, लेकिन जैसे ही दोबारा उस संसार में, उस घर गृहस्थी में, उस व्यापार में जाते हो, तो दोबारा वो क्या होता है, मोह हमें दोबारा से ग्रसित कर लेता है। और दोबारा ग्रसित करने का अर्थ ये नहीं है कि जितनी देर यहाँ पर बैठते हो उतनी देर मोह नहीं है, जितनी देर यहाँ बैठे हो उतनी देर मोह है कि नहीं है, बताओ है? उतनी देर भी मोह है, भले ही हम कितना भी सुन रहे हैं, लेकिन मोह तो लगा है, वो छूटने वाला नहीं है। जैसे माता जी कल आपको बता रही थी, बोल रही थी कि क्या अपन प्रवचन सुन रहे हैं बहुत अच्छे से बैठकर, और परिग्रह के त्याग की बात चल रही है कि किंचित भी अपना नहीं है, सब परिग्रह त्याज्य है। और तभी मोबाइल पर एक घंटी बज गई कि एक व्यापारी बाहर से आया है, व्यापारी बाहर से आया है माल खरीदने के लिए, और तुम्हारी दुकान 10 बजे खुलती है, प्रवचन सुन के जाते हो, लेकिन उसका फोन आया, भाई साहब मेरी 8:30 बजे की 9 बजे की ट्रेन है, मुझे जल्दी आना है, जल्दी से आओ, दुकान खोलो, माल दो, फिर मुझे जाना है। तो बताओ प्रवचन पूरे सुन के जाओगे कि बीच में अधूरे छोड़ के जाओगे? हैं, अधूरे छोड़ के जाओगे ना? और प्रवचन में क्या चल रहा था, परिग्रह त्याज्य है, किंचित मात्र भी अपना नहीं है। लेकिन क्या इसीलिए कहा, सुनते सुनते भी परिग्रह नहीं छूट रहा है, अपन सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्योंकि लेकिन आचार्य उमा स्वामी भगवान ने क्या बोला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन, दर्शन तो है, ज्ञान भी है, लेकिन चारित्र में नहीं आ पा रहा। आ रहा है क्या? अपन समझ रहे हैं, व्रत उपवास अच्छे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं करते हुए, ये भी लग रहा है कि ये सब अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ जान पूछ के नहीं करते। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी सुना है जो ये कहते हैं, अरे खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मौज लो। कोई कोई लोग तो हमसे भी कह देते हैं, काय को छोड़ दो घर है, काय को, और अभी से छोड़ने की जरूरत क्या आती, अपन तो बुढ़ापे में धर्म करेंगे क्या, अपन बुढ़ापे में क्या, अपन बुढ़ापे का पट्टा लिखवा कर आए हैं क्या कि हम बुढ़ापे तक जिएंगे? नहीं, किसी की कुछ भी उम्मीद नहीं है कि कौन कब चला जाएगा। आप लोग सब कुछ जानते हो, आप लोग घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, इतने लोगों को दिन रात देखते हो। कहते हैं ना अपन, वो रोज शाम को जब समाधि भावना पढ़ते हैं तो बड़ी उसमें आगे की लाइनें बड़ी सुंदर पढ़ती हैं, आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, क्या आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबके तेरी नजर है, दो दिन यावत, यावत का मतलब होता है जब तक, तावत मतलब तब तक। तो पहली लाइन में यावत लगाएंगे और दूसरी लाइन में तावत लगाएंगे, यानी कि जब तक उस रहट के समान, इस संसार रूपी रहट में, इस भव रूपी रहट में एक विपत्ति अतिवाह्यते जाती है, तावत तब तक क्या होता है, प्रचुरा यानी कि बहुत सारी, कहते ना प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में, यानी प्रचुरा बहुत सारी मात्रा में, अन्यः अन्य यानी कि बहुत सारी अन्य विपदा विपत्तियाँ, पुरह मतलब सामने, भवंती आ जाती हैं, होती हैं, यानी कि उस रहट के समान, इस संसार रूपी रहट में, इस भव रूपी रहट में इतने एक विपत्ति जाती है, एक समस्या जाती है, इतने क्या होता है, तब तक बहुत सारी अन्य विपत्तियां आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। आप इस बात को सही मानते हो कि गलत मानते हो, है ना? बेटी की शादी होनी है, अपन सोचते हैं इसकी शादी हो जाएगी अपन टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्या सोचते हो?
बेटी की शादी हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे। यहाँ बेटी की शादी हुई और बेटा, हमने सोचा एक बोझ कम हुआ, मतलब एक टेंशन कम हुई। यहाँ बेटी की शादी हुई, तुरंत क्या आ गया, होली का त्यौहार आ गया। क्या? होली का त्यौहार आ गया। अब होली का त्यौहार निपटाया, उसके लिए इकट्ठा करा इधर से उधर से, होली का त्यौहार निपटाया तो फिर राखी का त्यौहार आ गया। फिर राखी का त्यौहार निपटाया तो जो भी आते हैं तीज का त्यौहार आ गया। फिर तीज का त्यौहार निभाया तो दिवाली आ गई। अब साल भर के ये त्यौहार निपटे तो समझा, पता चला कि आने वाले मेहमान की तैयारियाँ शुरू हो गई, है ना। इतनी एक खत्म होती है, दूसरी, दूसरी खत्म होती है, तीसरी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ में बिदे ही रहते हो, उसमें ही लगे रहते हो। अपन सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, है ना, हमें कोई बीमारी नहीं है, आराम से बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं, अच्छा प्रवचन सुनना है, अभी पता ही नहीं चला एक सेकंड में पेट में दर्द हो गया, है, बैठे बैठे पेट में दर्द हो गया। सब कुछ व्यापार व्यवस्थित चल रहा था, व्यापार एकदम व्यवस्थित चल रहा था, सब आ रहे थे, सब अच्छा आना जाना सब चल रहा था, पता चला कि बारिश इतनी तेज आई, इतनी तेज आई कि दुकान में पानी भर गया। क्या? बारिश इतनी तेज आई कि दुकान में पानी भर गया, आधा माल भीग गया, आधा माल क्या हो गया, आधा माल खराब हो गया। तो एक विपत्ति खत्म नहीं होती, उससे पहले अन्य अन्य विपत्तियां आ जाती हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब व्यापारी आ रहे जा रहे, खूब माल बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक व्यक्ति से हमारा खूब अच्छा लेना देना है, करोड़ों का व्यापार चल रहा है, उससे खूब अच्छा व्यवहार है। पता चला सुबह जैसे ही उठे व्हाट्सएप खोला तो पता चला कि वो व्यापारी तो नो दो मार्केट में, मतलब मार्केट में जितने लोग थे 10-15 लोगों का पैसा लेके गायब हो गया। अब टेंशन, अब उसे ढूंढते फिरो कहाँ गया। और ऐसे ही ये आपके घर में भी, रोज में भी, परिवार में भी कितनी सारी विपत्तियाँ देखने को आती हैं। अपन ने सोचा था घर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, है ना। अभी 2 कमरों का मकान है, जब 4 कमरों का मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। 1 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का मकान बन जाएगा तो अपन सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुखी हो पाते हो क्या? पहले 2 कमरे में झाड़ू पोछा लगाना था, अब 6 कमरों में लगाने की टेंशन। क्या? पहले 2 कमरे में निपट जाता था काम, अब 6 कमरों में टेंशन। पहले 2 कमरे में जो नौकरानी थी वो 1000 रुपये लेती थी, अब उसने कह दिया 6 कमरे हो गए, अब तो 2500 लूँगी। एक टेंशन ख़त्म नहीं हुई, दूसरी टेंशन शुरू हो गई। ये बहुत छोटे छोटे से उदाहरण हैं, क्योंकि बड़े उदाहरण, चलो बड़े उदाहरण आगम में बहुत सारे बड़े उदाहरण हैं, लेकिन आप क्या है, हमने कल क्या कहा था, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है। अपन ने हमारे स्वयं में देखा, देखी भी बात है, हमारे घर के सामने एक परिवार था, तो वो बहुत टूटे फूटे से घर में ऐसे ही रहते थे, और जैसे जैसे धीरे धीरे करके पुलिस में थे ऐसे, तो वो उन्होंने धीरे धीरे करके पैसा जोड़ा, और पैसा जोड़ जाड़ के उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टी बहुत थी, कम से कम 2000 गज की जमीन, जगह होगी उनकी, इतना बड़ा मकान था, इतना बड़ा आंगन पड़ा था, कमरे थे काफ़ी, लेकिन सब पुराना बना था। और उन्होंने धीरे धीरे पैसे जोड़ के करीब 10-15 साल में खूब अच्छा मकान बनाया, एकदम A1 ग्रेनाइट वगैरह लगा के खूब सुंदर मकान बनाया, पूरे रिश्तेदारों को, पूरे मोहल्ले वालों का निमंत्रण किया, सब लोग घर पहुँचे, कलश वलश लेके अच्छा गृह प्रवेश हुआ। और जैसे ही घर में प्रवेश किया वैसे ही ग्रेनाइट पे पैर फिसल गया, ग्रेनाइट पे पैर फिसला अंकल जी का, कूल्हे की हड्डी टूटी, और उसके बाद 1.25 साल जिए तो बिस्तर पे ही जिए। अब बताओ, जो लग रहा था कि मकान सुख देगा, मकान ने सुख दिया कि दुख दिया? सिर्फ उनको नहीं दिया, सिर्फ उनको ही दुख नहीं दिया, परिवार के जितने सदस्य थे उनकी स्मृति में अब जीवन भर क्या घूमेगा। जिस दिन मकान का गृह प्रवेश हुआ था उस दिन ऐसा हो गया और उनके साथ ऐसा हुआ, इसलिए वो चले गए। तो हम सोचते हैं ये चीज़ सुख देगी, वो चीज़ सुख देगी, ऐसा होने से सुख आ जाएगा, वैसा होने से सुख आ जाएगा, आता भी है। लो, आचार्य भगवान इस कारिका से, इस छंद के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या तथ्य देना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, हे जीवात्मा, जिसको तू सुख मान रहा है वो सुख कैसा है? वो सुख इंद्रधनुष के समान क्षणिक है।
कैसा है? इंद्रधनुष के समान क्षणिक है। जब आकाश में इंद्रधनुष दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अपन उसे दौड़ते हुए देखने जाते हैं, लेकिन पता चलता है तब तक वो चला जाता है। ऐसे ही हम सोचते हैं ऐसा ऐसा करने से सुख होगा। बेटे को इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा कि ट्वेल्थ में अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर भी आए, पास हो गया, सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, आपने खूब मेहनत करी थी, सुख भी आया था। क्या सुख आया था? विदेश की नौकरी का कॉल आ गया था। क्या? विदेश की नौकरी का कॉल आ गया था। पैसा तो कमाएगा बच्चा, लेकिन बताओ एक माँ बाप का दिल कभी चाहता है क्या कि बच्चा उससे दूर रहे? चाहता है क्या? भले ही बच्चा वहाँ पर करोड़ों कमाता हो, कुछ भी कमाता हो, लेकिन मन में तो भाव रहते हैं कि बच्चा काश हमारे पास ही रहता। तो ये जो जितने भी सुख हैं, ये सुख कैसे हैं? क्षणिक है, क्योंकि अपन पहले भी पढ़कर आए थे कि सुखम दुखम च देहिनाम वासना मात्रमेव एतत् सुखम दुखम च देहिनाम। ये प्राणियों के, देहधारियों के जितने भी सुख और दुख हैं, ये कैसे हैं? वासना मात्र हैं। क्या पढ़ा था? वासना का मतलब भ्रम मात्र है। ये हमें सुख और दुख लगते हैं, लेकिन और सुख और दुख नहीं है। तो इस वाले छंद में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि हम जब तक एक दुख से फ्री होते हैं, तब तक क्या होता है, अन्य बहुत सारे दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इतने हम एक से छुटकारा पाते हैं, इतने दूसरे बहुत सारे, क्योंकि एक बीमारी से छूटकर आते हॉस्पिटल जाते, अपने को पहले कोई बीमारियां नहीं थी, और एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, है ना, इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन घर आए पता चला हार्ट की बीमारी से तो का इलाज तो हो गया, लेकिन उस टाइम इतनी दवाइयां खाई, इतना सब कुछ, इतना प्रोसीजर चला कि अब शुगर की बीमारी भी हो गई, बीपी की बीमारी भी हो गई, और भी अन्य अन्य बहुत सारी बीमारियां लग गई। तो एक से पीछा छुटाते हैं, इतने में अन्य दूसरी बहुत सारी विपत्तियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अपन भी उसको क्या सोचते हैं, लेकिन अपन उसमें भी सुखी हैं, और किस कारण से, किस कारण से सुखी हो, कुछ तो बोलो, किस कारण से? इसके पहले वाले में पढ़कर आए थे, किस लिए? अज्ञान के कारण। अज्ञानता है हमारी कि हमें ये सुख और ये सुख सुख लगता है और दुख दुख रूप लगता है। वास्तव में अभी माताजी आपको बताएंगी कि आज तक आपको दुख तो हुआ है पर कष्ट नहीं हुआ, या कष्ट तो हुआ है पर दुख नहीं हुआ। नरकों में क्या है? नरकों में दुख है कि कष्ट है? कष्ट है। तुम्हें क्या है, दुख है कि कष्ट है? तेज की बोलो, तुम्हें दुख है और नरकों में कष्ट है। तो क्या कहती हो कभी कभी, तो ऐसे बोलते हो घर है कि पूरा नरक है? क्या बोलते हो कभी कभी? घर है पूरा नरक है, ऐसा बोलते हो ना? तो यानी कि उस वक्त तुम कष्ट में होते हो, नॉर्मल में तुम दुख में हो और उस वक्त तुम कष्ट में हो। नहीं, हमने कष्टों को तो अभी, कष्टों को तो सहा है पर दुखों को अभी तक सहा ही नहीं है। कष्ट अलग है और दुख अलग है। क्या है कष्ट और क्या है दुख, अभी आपको माताजी बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन हमें जो आचार्य भगवान समझाना चाह रहे हैं उसको सिर्फ इतना समझना है कि सुख, क्योंकि क्या, एक नॉर्मल का प्रैक्टिकल बताते हैं आपको, क्या बहू आई थी, जिस दिन बहू आई थी तो सास क्या सोचती है, माताजी बड़े अच्छे शब्दों में उसको बताती हैं, क्या कि लोग सोचते हैं बहू आएगी तो गरम गरम रोटी देगी, बहू आएगी तो गरम गरम रोटी देगी। माताजी कहती हैं गरम गरम रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तो तेरी तेरी किस्मत की बात है, हैं? हाँ, तेरे मुकद्दर की बात है, तेरी किस्मत की बात है। अपन क्या क्या सोचते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। और क्यों नहीं हो पाता, कारण क्या है उसका? उसका कारण है हमारी अपेक्षाएं। तुम जब तक बहू नहीं आई थी तब तक भी तो तुम स्वयं रोटी बनाती थी, क्या? जब तक बहू घर में नहीं आई थी तब तक भी तो तुम स्वयं रोटी बनाती थी, जब तक बहू नहीं आई थी तब तक भी तो सुबह तुम सबका नाश्ता बनाकर उनको दुकान भेजती थी। जैसे ही बहू आ गई तो तुम्हें क्यों अपेक्षा हो गई कि अब यही बनाएगी?
हाँ वो तो गर्दन तो हिलाया करो, ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी गर्दन हिलाया करो, तो मुझे लगा क्योंकि ना तो मैंने सास देखी ना मैंने बहू देखी, तो तुम्हारी गर्दन हिलती है तो समझ आता है कि हाँ सही चल रहे कि गलत चल रहे हैं, सही चल रहे कि गलत चल रहे। तुमने अपेक्षाएं रखी कि वो ऐसा करेगी, लेकिन आज की बहू भी बहुत होशियार हो गई। पहले की बहुएं पैर दबाती थी, पहले की बहुएं सास के पैर दबाती थी, आज की बहू नहीं दबाती। क्यों? उसे पता है एक दिन दबा दिए तो अपेक्षा करके बैठ जाएगी कि रोज दबाएगी, इसलिए बहू ने कहती है मेरे को दबाना ही नहीं है ना, मेरे को दबाना ही नहीं है। तो अपेक्षाएं उपेक्षा का कारण बनती हैं। जहाँ अपेक्षाएं नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एक्सपेक्टेशंस गिव्स ओनली पेन, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा दर्द ही देती हैं, दर्द की दवा नहीं देती हैं। जिस दिन हम अपेक्षाएं रखनी बंद कर देंगे किसी से भी, घर से, परिवार से, बच्चों से, व्यापार से, व्यापार में भी लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होती है। एक बार एक व्यक्ति आया और माता जी से बोला, माता जी मुझे 1 करोड़ का घाटा हो गया। क्या? मुझे 1 करोड़ का घाटा हो गया, बड़ा सड़ा हुआ मुंह बना के रखा, मुझे 1 करोड़ का घाटा हो गया। और पत्नी बगल में बैठी हुई मुस्कुरा रही, पत्नी बगल में बैठी मुस्कुरा रही। माता जी ने सोचा 1 करोड़ का घाटा हो गया, पत्नी मुस्कुरा रही है। माता जी ने कहा तुम्हें दुख नहीं है कि 1 करोड़ का घाटा हो गया? वो बोली, माता जी इन्हें तो रोने की आदत पड़ी है, इन्हें तो जब देखो रोने की आदत पड़ी है। पर माता जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, सांसारिक जीव है, 1 करोड़ का घाटा हो गया तो दुख तो होता है। बोले माता जी 1 करोड़ का कोई घाटा वाटा नहीं हुआ, 1 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का घाटा नहीं हुआ, 1 करोड़ का फायदा हुआ है। बोले मतलब? बोले माता जी इनकी अपेक्षा थी कि 2 करोड़ बचेंगे, 1 करोड़ बचा। क्या? इनकी इनकी अपेक्षा थी कि 2 करोड़ बचेंगे, 1 करोड़ बचा। अब बताओ वो 1 करोड़ दुख दे रहा है कि वो 1 करोड़ सुख दे रहा है? अब उसे 1 करोड़ में सुखी होना चाहिए जो मिला, या जो 1 करोड़ चला गया उसमें दुखी होना चाहिए? अब ये देखो इधर भी गर्दन हिल रहा है, दुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ तो तेज की बोलो ना, मुझे सुनाई थोड़ा ना दे रहा है, क्या होना चाहिए? और तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो तुम बताओ सच्ची में दुखी होगी कि सुखी होगी? सच सच बताना। हाँ जो मिला है उसे भोग लो। लेकिन वहाँ पर क्या था कि उसे एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 2 करोड़ बचेगा, लेकिन बचा 1 करोड़, तो उसे उस 1 करोड़ का भी सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हम सोच के रखते हैं हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, इतने सपने लगाते हैं, और जब वो सपने पूरे नहीं होते तो क्या होता अपने को? तकलीफ होती है। अगर हमने सपने देखे नहीं होते तो हमें जितना मिलता, जितना सुख मिलता, हमें उतने में ही खुशी होने लगती, हमें उसमें ही खुशी का अनुभव करते। तो ये सुख और दुख जो है ये वासना मात्र है। जब तक एक सुख आता है, एक सुख, एक विपत्ति से हम जैसे छुटकारा पाते हैं, इतने में अन्य बहुत सारी विपत्तियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ये संसार ऐसा ही है, ये संसार का परिभ्रमण ऐसा ही चलने वाला है। इसीलिए सुख और दुख में सुखी और दुखी होना व्यर्थ है। हे गुरुमा, हम पढ़ते तो हैं कि ये सुख और दुख सब छूट लाने वाले हैं, सब वासना मात्र हैं। हम गर्दन भी हिलाते हैं, हम समझने का प्रयास भी करते हैं, हम अंतरंग में उतारने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन माता जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम क्यों नहीं पहुँच पाते हैं इसे बताने की आप कृपा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमारे राजेंद्र भैया मस्तापुर आपको कुछ बता रहे हैं। जब बोलिए परम पूज्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की परम